राम राम भैया। राम राम भैया। भैया मेरा नाम शेर सिंह राजपूत है और मैं एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस गुना से आया हूँ। आप अपना परिचय देंगे? मैं जी, मेरा नाम मधुसूदन सिंह राजपूत है, मैं ग्राम पिपरिया का रहने वाला हूँ। आपका नाम मधुसूदन सिंह राजपूत है और आप ग्राम पिपरिया में रहते हैं? जी भैया। मधुसूदन भैया, आज आप हमें क्या बताने वाले हैं? जी, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि उड़द के बीज का अंकुरण परीक्षण किस प्रकार किया जाता है। तो मतलब आज आप हमें उड़द का बीज का अंकुरण परीक्षण करना बताएं, कैसे करते हैं अंकुरण परीक्षण? आज आप हमें क्या करके बताने वाले हैं? आज मैं आपको ये तिली के बीज का अंकुरण परीक्षण कैसे करते हैं बताएंगे, एक बार बताएं। इसके लिए हम एक चौड़ा ट्रे टाइप का बर्तन लेते हैं, उसमें कुछ मट्टी भर देते हैं और उसके बाद उसमें हम है ना तिली के बिना छांटे हुए 100 दाने लेते हैं और उसको उसमें बो देते हैं 10-10 की कतार में, 10 कतार में बो देते हैं, जिससे हमें मालूम रहता है कि इसमें 100 दाने बोए हैं। उसके बाद उस पर पानी का छिड़काव करके उसे छांव में रख देते हैं और उसके बाद हम उसमें सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पानी आवश्यकता अनुसार खींचते रहते हैं और कुछ 3-4 से 5 दिन के बीच में हम देखते हैं कि हमारा बीज कितने प्रतिशत इसमें उग जाता है, उससे हमें उसके बीज की। जी, आपने जो अभी प्रोसेस पूरी बताई, मैं करके बताएं कैसे करते हैं? हमें सबसे पहले एक ट्रे टाइप का ये जो बर्तन होता है जिसमें हम मट्टी भरते हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है और उसके बाद ये हमें ये तिली के बीज के लगभग 100 दाने के बाद हमें ये पानी की आवश्यकता होती है। ये हम इसमें कतार बना दी, पहले कतार बना दी। जी, अब इसमें ये एक कतार में 10 दाने किनके डालते हैं और उसके बाद हम इसे ढक देते हैं। मतलब सबसे पहले अपन ने कूड़ बना लिया, उसमें 10 दाने डाल दिए। जी, इसी प्रकार हम दूसरी लाइन बनाते हैं और इसमें भी हम 10 दाने गिन के डाल देते हैं, इसके बाद इसको भी ढक दिया जाता है। उसके बाद तीसरी लाइन बनाते हैं और इसमें भी 10 दाने। तो लगभग हमें इस प्रकार 10 लाइन बनाना है। बता भाई और कैसे करते हैं? ये 4 हुई, इसको भी ढक दो, इसके बाद ये 5, इसमें 10 दाने चला लेंगे, बाद पूरे ढक जाएंगे। और ये 6 लाइन हो, ये 7, ये 8, 9, ये 10 लाइन है ना। इस तरीके से हम हाथ चला देंगे तो ये है ना, अब जो बना था वो सारा वो जो भी ऊपर होगा वो सब ढक। अब इसके बाद क्या करें भैया? अब इसके बाद हम है ना इसमें पानी डालते हैं, ये इसको लगभग अच्छी तरह से तर कर दिया जाता है। हल्का हल्का पानी डाल देते हैं, उसमें बढ़िया नमी बन जाती है और इसके बाद हम इसे भैया इसमें पानी रोज डालना पड़ता है? हाँ, रोज डालना पड़ता है, हल्का हल्का पानी, नमी बनी रहे, नमी बनी रहे। इसमें ज्यादा पानी डालेंगे तो एक बीज खराब हो जाएगा। बस इतनी सी प्रोसेस रहती है, बस इतनी सी प्रोसेस। अब अपन इसे 3 से 5 दिन के बीच में अपना अंकुरण हो जाता है, इसके बाद हम अपना अंकुरण क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। तो आप हमें ये बताएं इसकी पूरी मतलब लाभ क्या, इसके क्या लाभ अंकुरण परीक्षण? जैसे आप जानते हैं हम बीज लेके आते हैं मार्केट से तो हमारा कुछ बीज खराब ही आता है, इसलिए जैसे कि हमारे बीज का लगभग 70% अगर बीज अंकुरित है तो वो बीज हमारे बोने लायक रहता है। ये इससे कम है तो हम नहीं बो सकते थे, क्योंकि यदि हम 1 क्विंटल बीज अपने खेत में बोते हैं और उसमें से 70% उगता है तो लगभग हमारा 30% बीज वेस्टेज चला जाता है, जिससे हमारी लागत बढ़ती है। और साथ में अगर इससे कम बीज उगता है तो उसे हम नहीं बोते, क्योंकि यदि हम बाज़ार से माल बीज लेके आए और वो नहीं हुआ तो उसे बोने के बाद को हमको पछताना ही पड़ता है और कुछ नहीं है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये बीज का परीक्षण करके पहले देख लेना चाहिए, यदि बीज का अंकुरण क्षमता यदि 70% से ऊपर है तो ये उस बीज को बोएं। तो मतलब मधुसूदन भैया आप कहना चाह रहे हैं कि अपना जो बीज 100 बीज दाने डालें, जी 100 में से लगभग 70 दाने तो वो बीज बोने लायक है और इससे कम उगते हैं तो बीज बोने लायक नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ा एक और लाभ है कि कभी कभार क्या होता है कई बीज ऐसे आ जाते हैं कुछ दवाइयों के प्रयोग से या कुछ अन्य वजह से जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं और नहीं उगते हैं, तो अगर इसकी वजह जब ऐसे बीजों को हम खेत में बो देंगे तो नुकसान उगेंगे नहीं वो, अगर हम उसका घर पर पहले अंकुरण परीक्षण कर लेंगे तो हम उसके अंकुरण क्षमता ज्ञान हो जाएगा, उगेंगे कि नहीं उगेंगे और उगेंगे तो कितने, उसी हिसाब से फिर हम उसे बोएंगे या नहीं बोना तो काफी मालूम पड़ जाएगा। तो काफी अच्छे लाभ अंकुरण परीक्षण के। जी, आपने जो हमें अभी इसके लाभ बताए उड़द के अंकुरण परीक्षण के, तो आपने पूरी प्रक्रिया करके बताई कैसे करते ही बताया, उसके लाभ भी बताए, तो आप हमारे किसान भाई बहनों को इसका संदेश देंगे उड़द के अंकुरण परीक्षण को लेकर क्या संदेश देंगे? मैं अपने किसान भाई बहनों को यह संदेश देना चाहता हूँ
जैसा कि मैंने आपको करके बताया अंकुरण परीक्षण, ऐसे ही आप लोगों को बाजार से यदि बीज खरीद के लाते हैं या अपने घर का बीज है तो उसका अंकुरण परीक्षण अवश्य करें। इस अंकुरण परीक्षण से हमें अपने बीज की अंकुरण क्षमता का ज्ञान होता है। यदि हम अंकुरण क्षमता यदि 70% से कम है तो उस बीज को ना ही बोएं, क्योंकि अगर जब हम उस बीज को बोते हैं तो वो बीज हमारे खेत में नहीं उगता है और इससे हमारे खेत में कोई भी फसल नहीं होगी और हमें नुकसान ही उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं किसान भाई बहनों से यह कहना चाहता हूँ, यदि हमारे घर का बीज हो या हम मार्केट से लेके आए हों तो उस बीज का अंकुरण परीक्षण अवश्य करें, जिससे हमें उसके बीज की अंकुरण क्षमता का ज्ञान हो जाता है और हमें मालूम है कि यह बीज अच्छा है और उसे बो सकती है। बोने से एक तो हमारा ये लाभ है कि उसका हमें जो वेस्टेज बीज डालना पड़ता है अपने खेत में वो बीज नहीं डालना पड़ेगा और वो बीज बच जाएगा, जिससे हमारी लागत भी कम लगेगी। और मधुसूदन भैया जी, आपने आज हमें बताया, अपनी बढ़िया पूरी प्रोसेस बताई, उसके लाभ भी बताया और किसान भाई बहनों को एक अच्छा संदेश भी दिया। आपने जो हमें बहुमूल्य जानकारी दी उसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद साहब।